आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट स्टेडल ट्रेडिंग यूजिंग जीरोधा API एंड पाइथन। बेसिकली शॉर्ट स्टेडल ट्रेडिंग हम ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हम चलते हैं पाइथन एडिटर की तरफ। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, आपके लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और एक IDE या फिर कोई डिसेंट सा एडिटर होना चाहिए। तो पाइथन इंस्टॉल्ड है आई एम अज्यूमिंग, और एक IDE है, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ PyCharm, ये काफ़ी अच्छा है। बाकी आप नॉर्मली सबलाइम या फिर कोई भी नोटपैड प्लस प्लस टाइप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि चलो ये स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं एक सेकंड कि शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है। शॉर्ट स्ट्रैडल इज नथिंग बट अ पोजीशन वेयर यू सेल बोथ कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक सेम एक्सपायरी मोस्ट प्रेफरेबली एट ATM एट द मनी बोथ ऑप्शंस कॉल एंड पुट। मतलब मेरा अगर जहाँ पर निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसके सबसे नज़दीकी जो स्ट्राइक होगी उसका कॉल और पुट दोनों मैं बेच देता हूँ दोनों ऑप्शंस, तो उसको मैं शॉर्ट स्ट्रैडल कहता हूँ, ठीक है। अब हम पाइथन में बात करते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है या तो हम इनिशियली ही उन्हें इम्पोर्ट कर लेते हैं या फिर जब ज़रूरत पड़ती है हम करते जाते हैं। ये प्रोग्राम मैंने पहले लिखा हुआ है, अभी स्टार्ट करने से पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि उस टाइम पे टाइप करते टाइम पे टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का भी, ठीक है। तो मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, लॉगिंग डेट टाइम यूटिल रिलेटिव डेटा, ठीक है, और काइट कनेक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि जीरोधा ने प्रोवाइड किया है अपने APIs को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको kite.trade पे जाके रजिस्टर करना होता है और अपनी API को एक्टिवेट करना पड़ता है। API एक बार एक्टिवेट हो जाती है तो आपको API की और API सीक्रेट मिलते हैं और उसके थ्रू आप एक्सेस टोकन बना लेते हो। एक्सेस टोकन आपका डेली रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो इस मेथड में गेट काइट में मैंने कुछ नहीं किया, ये दो लाइन लिखी हुई हैं और मैंने उस काइट को रिटर्न कर दिया है क्योंकि मेरे वहाँ पर API और एक्सेस टोकन पड़े हुए हैं, वो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता इसलिए मैंने उसको बंद कर रखा है, मैं नहीं खोलने वाला इसे, ठीक है। तो आपने इतना सा कर दिया, काइट का मिल गया, ये ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिफाइन किया और एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने इंस्ट्रूमेंट लिस्ट डाल दिया है। इंस्ट्रूमेंट लिस्ट की हम जब ज़रूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। अब हम जाते हैं सबसे नीचे क्यों आए हैं, ये एक मेथड है जिसको हम मेन मेथड कहते हैं और बेसिकली होता क्या है कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है इस स्क्रिप्ट का। इसको मैं अगर यहाँ से ही चाहे तो राइट क्लिक करके रन स्ट्रैडल कर दूँ या फिर बाहर से जाके python space straddle.py करूँगा तो मेरा ये यहाँ से एंट्री होगी। इसके पहले जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रैडल के लिए हमारी ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें पहले एट द मनी क्या चल रहा है अभी एट दिस मोमेंट वो पता करना है। उसको पता करने के लिए मुझे क्या है, अंडरलाइंग जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे निफ्टी 50 हो गया उसका प्राइस क्या है करंट, वो निकाल लिया मैंने। उसके लिए मैंने CMP मेथड से निकाला है, ओके। CMP मेथड मैंने अपने यहाँ पर लोकल बना लिया है। वो क्या करता है, मुझे काइट जो ऑब्जेक्ट मैंने पहले बनाया था इनिशियली उसका कोट मेथड यूज़ करके उसके अंदर मैंने जो ट्रेडिंग सिंबल है, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है ट्रेडिंग सिंबल जो है जीरोधा के लिए एक्सचेंज टाइप कॉलन नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये होता है। तो ट्रेडिंग सिंबल पास किया, उससे मुझे जो निकल के आया कोट उससे मैंने लास्ट प्राइस निकाल लिया। लास्ट प्राइस जो है करंट प्राइस, जब ये API कॉल की थी उस टाइम पे जो प्राइस था वो आ गया, ठीक है। और उसको मैंने राउंड -2 कर दिया है, ये मेथड कॉल किया है। तो इसने क्या किया है, नियरेस्ट 50 पे ले आया है। 1840 होगा तो उसको 50 हो गया है, अगर 24 होता तो 1800 हो जाता, मतलब 14,800, 24 होता तो 14,800 हो जाता इस तरह से।
इसके बाद मुझे क्या है फाइंड आउट करना था कि मेरी करंट एक्सपायरी कौन सी है। करंट एक्सपायरी मैं कैसे निकालूंगा, आज जैसे कि मंडे है तो मंडे के बाद वाला जो थर्सडे होगा यूजुअली वो मेरा एक्सपायरी होता है, तो मैंने आज का दिन निकाला और रिलेटिव उसमें मैंने वीकडे थर्सडे में कितना मेरा डेल्टा आया, रिलेटिविटी यूज़ करके मैंने यहाँ पर उसमें प्लस कर दिया। आज अगर मंडे है, थर्सडे के लिए 3 दिन बचे हुए हैं, तो मंडे प्लस 3 थर्सडे हो जाएगा, यूजुअली मंडे प्लस 2 हो जाएगा, तो जो भी होगा ये मेरी लाइन निकाल के दे देगी, मुझे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर डीबग करके यहाँ पर राइट लिख दूँगा और हो जाएगा। एनीवेज इसका यूज़ क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब मुझे क्या है सिंबल निकालना है। हर ब्रोकर का अपना अलग सिंबल होता है, हर स्ट्राइक के ऑप्शन के लिए, सी के लिए अलग होगा, पी के लिए अलग होगा, और 14,800 के पी का अलग सिंबल होगा, 14,850 का अलग होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने गेट सिंबल मेथड कॉल किया है। गेट सिंबल में मैंने क्या क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट लिस्ट जो हमने यहाँ पे देखा था, तो गाइड क्या बोलता है कि मेरी एपीआई यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट मेथड कॉल करो, उसमें आप एक्सचेंज का कौन सा एक्सचेंज है वो आप पास कर दोगे, तो उसके रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे दे दूंगा। वो भी मेरे कईयों हज़ार होते हैं, लाखों में हों तो भी कोई कह नहीं सकते, ठीक है। तो वो मैंने एक उसमें सेव कर लिए, बार बार डाटा निकालने जाना पड़े इसलिए मैंने इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है। अब इसको मैंने फ़िल्टर किया है बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स क्या हैं, ये हैं कि भाई मेरा एक्सपायरी कौन सा है, नेम ऑफ द अंडरलाइन क्या है, स्ट्राइक कौन सा है, एटीएम स्ट्राइक की वैल्यू क्या है, और ये कॉल है या पुट है। ऐसे ही 2 बार कॉल किया मैंने सेम मेथड, और दोनों से मेरा एक बार सी के लिए एक बार पी के लिए कॉलर पुट के लिए निकल के आ गया। अब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। ये दोनों लाइन क्या है, एक सिमिलर लाइंस हैं, बस सिंबल डिफरेंट है, क्योंकि मुझे दोनों का एक एक लॉट बेचना है। तो मेरा प्लेस ऑर्डर एक मैंने अपना नॉर्मल प्राइवेट मेथड बनाया है, उसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे ट्रेडिंग सिंबल हो गया, ये हो गया मेरा सिंबल सी, सिंबल पी, प्राइस 0 क्योंकि मुझे मार्केट ऑर्डर डालना है, क्वांटिटी एक लॉट के लिए करना है तो 75, अगर मल्टीपल लॉट्स के लिए करना है 75 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, जैसे 4 करना है तो एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन टाइप, उसको मैंने डायरेक्शन बोला है, तो टाइप क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन टाइप इज ऑलवेज सेल फॉर शॉर्ट स्ट्रेडल, अगर लॉन्ग स्ट्रेडल होता तो ये बाय हो जाता। इसके अलावा एक्सचेंज, एक्सचेंज टाइप क्या है, NFO हो जाएगा, निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा MIS, और ऑर्डर टाइप हो जाएगा मार्केट, ठीक है। ये कॉल करके मेरा 0th API कॉल हुई और इसने सिंपली ऑर्डर प्लेस कर दिया मेरे अकाउंट में, जिस अकाउंट से मैंने अपना एक्सेस टोकन जनरेट किया है और API की एसोसिएट किया हुआ है, ठीक है। अगर मेरा ऑर्डर फेल हो जाता है तो ऑर्डर ID जनरेट नहीं होगी और यहाँ पर मेरा एक्सेप्शन में लॉग हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली जनरेट हुआ है तो ऑर्डर ID जनरेट हो जाएगी। तो ये हुआ मेरा ऑर्डर स्ट्रेडल ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, फटाक से मेरे प्लेस हो गए दोनों चीज़ें, ओके। तो ये था दोस्तों हमारा 0th API और पाइथन यूज़ करके स्ट्रेडल ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करते हैं। इसको हम और एनहेंस कर सकते हैं, तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि बाकी की कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।